सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑल। कैसा था टेस्ट आप लोगों का? नहीं दिया क्या टेस्ट? ऐसा क्यों रिएक्शन? गंदा था वो। अगले हफ्ते अभी लॉ का भी होने वाला है, कंपनीज एक्ट के ऊपर। क्या नहीं, क्या डर रहे तू? ऐसे मत करो। और मंडे से तो अभी होमवर्क भी देना चालू करने वाली हूं मैं। बट होमवर्क अलग एस्पेक्ट है, टेस्ट अलग एस्पेक्ट है ऑब्वियसली। और जो लोग अच्छा नहीं परफॉर्म करेंगे उनके पेरेंट्स से बात करूंगी मैं कि देखो बच्चों को इतने आशा से यहां पे भेजा था, देखो क्या कर रहे हो। अच्छे से पढ़ाई करो, चलो चलो, क्या डर है आपको? कल वीकेंड है, सैटरडे संडे आ रहा है, मजे आप लोगों के नहीं मजे? बेस्ट पार्ट है आपकी जिंदगी का, आगे तुम देखो क्या क्या होता है। इंटर के बच्चों के हाल देखो, सुबह 8 से शाम के 8 क्लासेस में ही है वो, उसके बाद आके डिनर करते, होमवर्क करते, पढ़ाई करते, फिर सोते। संडे के दिन भी क्लास लेती हूँ मैं, खुद लेती हूँ अभी संडे के दिन। इंटर के बच्चों की क्लासेस, दो दो क्लासेस संडे के दिन भी होती है। 6 महीने में क्लासेस कंप्लीट करो, 2 महीने में प्रिपेयर करो और फिर अटेम्प्ट दो सीए इंटर का। सो यू आर फार मोर बेटर एज कंपेयर टू अदर्स। चलो कल क्या क्या था बोलो, कोई बोले या मुझे? 1% कंपनी पूरा हो गया था हमारा कल। कुछ बोल पाओगे क्या 1% कंपनी में के बारे में? बोलो क्या क्या याद आ रहा है? बुक्स में देखे भी कर, बोलो ना, ऐसे कैंडिड कॉन्वर्सेशन करते हैं, बोलो। अच्छा, मिनिमम 1, मैक्सिमम 1 मेंबर, और मैक्सिमम डायरेक्टर 15, बट मिनिमम 1 डायरेक्टर भी चलेगा क्या? नॉमिनेशन करना कंपलसरी है? कितना? हु कैन बी सोल मेंबर और नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी? नेचुरल पर्सन, इंडियन सिटीजन, whether you are a resident or otherwise will not make a difference and you should be a major. Aur kal kya dikha tha OPC ke bare mein? Cannot be incorporated as NPO, very good. Or cannot do non banking financial activities. Kya aap nominee ko change kar sakte ho? Nominee khud kya apna consent withdraw kar sakta hai? To yahi sari cheeze humne dekhi thi as regard as a 1% company. Aaj हम लोग कुछ क्या हुआ, क्या बातें कर रहे आप? बोलो बोलो अभी। मेजर किसको बोलते हैं? 18 प्लस को मेजर बोलते हैं, ठीक है। फीस मेरे को दी है ना, ठीक है। तुम लोग कल से साथ में मत बैठो। हाँ, कितनी बातें करते तुम लोग, क्लास के वक्त भी, क्लास के पहले भी, क्लास के बाद भी। रूममेट्स हो क्या तुम लोग? रूममेट बनने का है क्या? ठीक है, बातें मत कर। आज कुछ छोटे छोटे मिसलेनियस टाइप से वो हम लोग करने वाले हैं, जैसे कि ये गवर्नमेंट कंपनी पे आ जाओ। गवर्नमेंट कंपनी पेज नंबर 5.23, लॉ की एक चीज बहुत खास है, आप कोई भी टॉपिक को उठा लो उसका प्रीवियस टॉपिक से कोई संबंध ही नहीं होता है। हर एक दिन एक नया टॉपिक रहता है। जैसे मतलब ऐसा हो सकता है ओपीसी में 2 दिन से पढ़ा रही हूं तो वो अलग बात है, बट ओपीसी अलग कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट पब्लिक अलग कॉन्सेप्ट है। आज मैं गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी पढ़ाऊंगी, वो अलग है, तो एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता है। तो एक आधे दिन सपोज जेन्युइनली आपकी तबीयत बीमार भी हो, मतलब आप बीमार भी हो गए या कभी इमरजेंसी की वजह से आपको जाना भी पड़ा, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि कल का क्लास मैंने अटेंड नहीं किया तो आज क्या होगा सीन? जैसे अकाउंट्स में और मैथ्स में वैसा नहीं होता, बिकॉज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। लॉ का वो सॉर्टेड है, एवरी डे इज अ न्यू डे, हर रोज मैं कुछ नया पढ़ाने वाली हूं, तो इसके एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेज भी है। अ टॉपिक लॉस्ट इज ऑलवेज लॉस्ट, मतलब आपको कभी सेल्फ रियलाइजेशन ही नहीं होगा कि मेरा कुछ छूट गया है। अकाउंट्स में वो पिंच बैठेगा,
क्योंकि अगर दो दिन क्लास अटेंड नहीं किया अकाउंट्स का और तीसरा दिन अटेंड किया, सब लोग जवाब दे रहे बट मेरे को जवाब नहीं देने आ रहा है, वो पिंच बैठेगा और फिर आप इज्जत में पढ़ाई करोगे। लॉ में दो दिन भी छुट्टी ली, तीसरे दिन आ गए ना, आपको सब कुछ समझ में लगेगा, तो आप हवे में ही रहोगे, मेरे को तो सब कुछ आ रहा है, छुट्टी पे था, मजे किए, एंजॉय किया, घर वालों के साथ था फिर भी लॉ पढ़ने आ रहा है, एकदम भारी हो गए। तो डोंट बी अंडर दैट रॉन्ग इंप्रेशन, एक्चुअली वो सब्जेक्ट का ही ब्यूटी वैसा है, दैट एवरी सेक्शन इज अ न्यू सेक्शन एंड इट्स नॉट रिलेटेड टू अदर्स। तो ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है, बट वो जाल है, डोंट गेट ट्रैप्ड इन इट। ओके, क्या पता वो दो दिन जो आप छुट्टी पे थे उसी के ऊपर इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछ लिया, तो आगे पीछे के टॉपिक्स करके भी आपको जवाब देने नहीं आएगा कि थोड़ा बहुत लिख दिया, थोड़ा बहुत आगे पीछे कहा, थोड़ा बहुत ब्लफ कर दिया, वैसा बात नहीं बनेगा लॉ के केस में। तो इसलिए अटेंड एवरी डेज क्लास एंड बिकॉज नथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। Even if today I start with section number 5, will have no relationship with section number 2. That's the best part of law. इसलिए मैंने भी कुछ उसे order follow नहीं किया कि इसी order से अपन करेंगे या book का order ही follow करेंगे। जैसे जैसे मेरा मन हो रहा है वैसे वैसे मैं पढ़ाऊंगी एकदम खुले दिल से, और वैसे ही expected है कि वैसे ही आप भी उस subject को अपना लो खुले दिल से, आपके लिए भी उतना ही आसान रहेगा। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा कभी मैम ये पढ़ा रही, कभी वो पढ़ा रही, कभी तो भी 16 पेज नंबर पे, कभी तो भी 8 पे आ जा रही, हो क्या रहा है, बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन ओनली। तो इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, और मेरे को भी जो पढ़ाना है मैं पढ़ा सकती हूँ। ऑफकोर्स जब एंड में हम रिविजन लेंगे ना, और क्लासेस के बाद भी जब कॉन्सेप्चुअल रिविजन हो गए और ये सब बैचेस होगी, तब हम लोग एकदम लाइन से जाएंगे। अब पढ़ाते वक्त आज फ्राइडे है तो उस मूड में ही पढ़ाओगे, है ना, वैसे रहेगा थोड़ा सा लाइट लाइट टॉपिक, थोड़ा वेनेसडे थर्सडे सीरियस टॉपिक्स होते हैं क्योंकि तब तक आप संभल जाते हो, मंडे के आपके मंडे ब्लूज रहते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी हुई रहती है, तो ट्यूजडे थोड़ा थोड़ा संभालते हो, बोलते हो कि नहीं अभी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वेनेसडे थर्सडे और ऑल गुड, फ्राइडे इज लाइक वीकेंड आ रहा है, वीकेंड आ रहा है सही है ना, पता है मुझे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कोई बोल सकता है, क्या नॉलेज है आपको, व्हाट डू यू मीन बाय अ गवर्नमेंट कंपनी? हाँ ओके ठीक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का होता है और बाकी लोगों का कम होता है, बट ये ज्यादा कम कितना होता है, हो गए एक बार चेक कर लेती हूँ, कुछ पीपीटी रहा तो फिर वो निकालती हूँ मैं। हाँ ये देखो, बाद में लिखना, पहले आप सिर्फ सुन लो। तो अब एक बच्चे ने जवाब दिया, मैम ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट का होता है, बट ये ज्यादा कैपिटल मतलब कितना कैपिटल, ये हमको नहीं पता है। डेफिनेशन जो है वो ये कहती है, अगर आपके कंपनी में नॉट लेस देन ओके, मतलब इधर इक्वल टू और मोर देन, इफ इन योर कंपनी नॉट लेस देन 51% of the capital is held by central government or state government or partly by central and state government, then your company is known as a government company. Then your company is known as a government company. वापस से देखो, government company का क्या मतलब होता है, ऐसी company जिसमें not less than, देखो जब मैं language इस्तेमाल करती हूँ not less than, इसका क्या मतलब होता है, either equal to और मोर देन, इधर इक्वल टू और मोर देन 51% ऑफ द कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट का क्या मतलब होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, या तो फिर थोड़ा थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट और थोड़ा थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट, ऐसी कंपनी को कहते हैं एज अ गवर्नमेंट कंपनी। आप लोगों ने बीएसएनएल एमटीएनएल का नाम सुना है क्या,
ये क्लासिक एग्जांपल्स है गवर्नमेंट कंपनीज के. एमटीएनएल में 56.25% स्टेक इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट. कितना? 56.25% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब नॉट लेस देन 51%, बिकॉज इट इज मोर देन 51%. नहीं आई बात समझ में? तो एमटीएनएल, बीएसएनएल, कोल इंडिया लिमिटेड, आपने फिर भेल, सेल, ओएनजीसी, भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कुछ पता है या नहीं? ओएनजीसी, हाँ पता है कि नहीं पता है? न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करो. एचपी पता है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड. देखो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, मैंने कहा था ना अभी कुछ देर पहले, कोल इंडिया लिमिटेड. ये देखो बीएसएनएल, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वो, बीएसएनएल और एमटीएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, और भी हो गए, भेल, सेल भी बोला था ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिख रहा है क्या आपको? ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. तो ये कंपनीज में हुआ क्या है? टोटल कैपिटल जो है ना, कैपिटल, मैंने आपको कहा था कैपिटल क्या होता है, 10 रुपए दो कंपनी के मालिक बन जाओ. तो ऐसे करके सपोज आपने थोड़ा 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 इन्वेस्ट किया है, टोटल कैपिटल 1 करोड़ का है. ये 1 करोड़ में से सपोज 60 लाख गवर्नमेंट का ही है, तो क्या आपकी कंपनी हो गई गवर्नमेंट कंपनी? अरे बोलो ना, क्या आपकी कंपनी हो गई गवर्नमेंट कंपनी? अगर आपकी कंपनी में नॉट लेस देन, मतलब इधर इक्वल टू और मोर देन 51% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और थोड़ा थोड़ा सेंट्रल, थोड़ा थोड़ा स्टेट, मतलब पार्टली सेंट्रल एंड पार्टली स्टेट, बट कुल मिला के दोनों का 51% या उससे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनी को कहेंगे एज अ गवर्नमेंट कंपनी. बट देखो, जब हम कहते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए, स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए, ये एक्चुअली शेयर्स किसके नाम पे होल्ड किए जाते हैं? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट जब कभी भी शेयर्स होल्ड करता है, दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और स्टेट गवर्नमेंट अगर हम कहते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर्स होल्ड किए, दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, स्टेट गवर्नर. कुछ आई बात समझ में? तो एक हिस्सा तो कहता है गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और पार्टली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. बट और एक हिस्सा है वहां पे, अगर आप दूसरा बच्चा देखते हो उसको, इफ योर कंपनी इज अ सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, यू विल बी डीम्ड टू बी अ गवर्नमेंट कंपनी. अभी हमारा होल्डिंग और सब्सिडरी हुआ नहीं है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है ना, मैं उसको अभी छोड़ रही हूं अभी के लिए, अभी के लिए टेम्पररी फेज है ये. आप इतना समझ लो, गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी होती है जिसमें कम से कम 51% जो है वो होल्ड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने, या तो दोनों, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. अभी कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती है जिसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है गवर्नमेंट कंपनी, जैसे कि गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, या तो फिर अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल. सुन रहे हो क्या आप लोग? तो अगर आपकी गारंटी कंपनी है या अगर आपकी अनलिमिटेड कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस केस में हम क्या देखते हैं, यू शुड होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ द वोटिंग पावर. यू आर होल्डिंग एटलीस्ट 51% ऑफ व्हाट? वोटिंग पावर. देखो, डिसीजन कंपनी में
मेजॉरिटी लोग लेते हैं, मेजॉरिटी, गवर्नमेंट अकेला इतना वोटिंग पावर होल्ड कर रहा है जो 50% से ज्यादा है, क्योंकि वो कम से कम 51% है। अरे हाँ है ना, तो गवर्नमेंट ने हाँ कहा तो हाँ होने वाला है, और गवर्नमेंट ने ना कहा ना तो ना होने वाला है, ऐसा कैसा? अरे मेजॉरिटी होल्डिंग गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को घंटा कुछ नहीं फर्क कर पड़ने वाला है लोगों ने क्या बोले। उसको हाँ चाहिए हाँ होगा, उसको ना चाहिए ना होगा। इसलिए मतलब इस कंपनी में राज किसका है? गवर्नमेंट कंपनी का। अगर गवर्नमेंट का राज चालू है तो हम ऐसी कंपनी को क्या कहेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। हाँ, तो अगर शेयर्स है, आपने कम से कम 51% शेयर्स होल्ड किए हैं। शेयर्स ही नहीं है तो आपने कम से कम 51% वोटिंग पावर होल्ड किया है, तो आपकी कंपनी को कहेंगे एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, ये लिख दो क्या आप? स्टिक नोट है आपके पास? वेरी गुड। स्टिक नोट पे लिख के चिपका दो। ये गाना आपने सुना है, मान मेरी जान, किंग का? मान मेरी जान नहीं सुना? चलो पुराने जमाने के गाने लगाते, जब आप बॉर्न भी नहीं हुए थे तब के। आप साथ में गाना, हो गया है तुझको तो प्यार सजना, आप लोग गा सकते हो, लिखते लिखते कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजॉय करो सब्जेक्ट को। देखिए क्या आपने ये DDLJ पिक्चर, एक बार देखना है पिक्चर, ये पूरा लिखना आप, बाद में होल्डिंग सब्सिडरी करवाने के बाद इस पे वापस आओगे। अरे सुनो ना, कहां लिखोगे आप? क्या हुआ? स्टिक नोट के बदले आप क्या करो, आपने जो पापा चार्ट बनाया है ना नोटबुक में, उधर लिखो। स्टिक नोट निकाल लिया क्या? ठीक है, उस पे लिख के फिर चिपका दो नोटबुक में। हाँ? क्या लिखा? ठीक है, स्टिक नोट पे लिख के टेक्स्ट बुक में चिपका दो, रो मत यार, बस लिख के चिपकाओ, इतना इंपॉर्टेंट है, लिखना जरूरी है। ये गाने सुने क्या आपने? बॉन नहीं हो ना जाने मेरे दिल को क्या हमारे जमाने के गाने अभी तो यही 25 साल से पढ़ा रही हूँ मैं, हमारा और आपका जमाना अलग अलग है। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था अभी खो गया। आप अगर पापा चार्ट पे लिखना चाहते हो ना, वोटिंग पावर 51% इन टू वोटिंग पावर। सुनो ना, अरे पिच पिच क्या करो ना, पिच पिच वो 51% स्टार जो है इट इज इनटू का साइन, इनटू वीपी इज वोटिंग पावर। तो अगर शेयर कैपिटल है तो शेयर कैपिटल का लोगे आप, शेयर कैपिटल नहीं है तो वोटिंग पावर लोगे। ठीक है, और
आप वो एग्जाम्पल अभी लिख लो, कोल इंडिया लिमिटेड और सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। मैंने अभी वो सेकंड वाला हिस्सा पढ़ाया नहीं अभी तक। जब मैं होल्डिंग सब्सिडियरी पढ़ाऊंगी ना, तो मैं वापस से इस पे आऊंगी। और कुछ आपका डाउट था? किसी ने और कुछ भी मेरे को पूछा था ना यहाँ पे? इतना समझ में आया ना? लिख लिया। और अगर आपको पापा चार्ट पे लिखना है ना, तो आप नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दीजिए मिसलिनियस। उसमें फिर गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी, निधि कंपनी, डोरमेंट कंपनी सब आएगा। नहीं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अलग होता है और पब्लिक कंपनी अलग होता है। पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अरे क्या हंसो मत, ऐसी डेफिनेशन। देखो गवर्नमेंट कंपनी पेज नंबर इज 23। गवर्नमेंट कंपनी का क्या मतलब होता है सुनो। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें नॉट लेस देन, बोलो कितना, 51% ऑफ द कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो फिर पार्टली बाय सेंट्रल एंड पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी कंपनी को कहते हैं एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी को क्या कहते हैं? अगर आपके कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, सपोज गारंटी कंपनी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, अनलिमिटेड कंपनी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो 51% आप किसका देखोगे? वोटिंग पावर का। सही, वेरी गुड। फॉरेन कंपनी पे आ जाओ, बेस्ट है फॉरेन कंपनी, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। हाँ वेरी गुड, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज एमेजॉन, एप्पल इनकॉर्पोरेशन, गूगल और बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मैकडोनल्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कॉस्मेटिक्स में से भी मैक, कितने सारे कंपनीज है जो फॉरेन कंपनीज है। तो क्या होता है फॉरेन कंपनीज, बोलो ना। जारा, मैंगो, हाँ ओके वेरी गुड। ऐसी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, दे आर इनकॉर्पोरेटेड
आउटसाइड इंडिया बट दे आर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, इसलिए तो हमें फर्क पड़ता है इन कंपनी से. अगर कोई कंपनी होती जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है से अमेरिका में और बिजनेस चाइना में कर रही है, क्या इस कंपनी से हमारा कोई भी लेना देना है? नहीं. हमें कंपनी से क्यों यहां पे लेना देना है? क्योंकि ये कंपनी भले ही इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है बट दे आर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. दे आर हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. मैकडोनल्ड्स पुणे में आप समझ लो 15-20 तो मैकडोनल्ड्स के आउटलेट हो गए. हर एक मॉल में मैकडोनल्ड्स का आउटलेट है. मॉल छोड़ो, जेएम रोड पे, एफसी रोड पे, कोथ रोड में, कितने सारे जगह पे मैकडोनल्ड्स के आउटलेट है. फिर बीएमडब्ल्यू, ऑडी, ऑल फॉरेन कंपनीज. अरे हाँ है ना, गूगल. बट मैम गूगल तो हमको कभी दिखा ही नहीं. Amazon का है मैम, Amazon मैंने तो कभी नहीं देखा. चलो शॉपिंग करने चलते हैं Amazon में. कहा है Amazon? Amazon का नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में? कहा है बताओ, एड्रेस बताओ. हाँ क्या है? इंडिया में है तो फिर तो इंडिया में नहीं है तो फिर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में? तो बोलो ना ऐसा बेटा कि आपका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो फिजिकल भी हो सकता है और वो वर्चुअल भी हो सकता है. एक्चुअल ऑफिस ऑफिस वाला होना जरूरी नहीं है. तो कल जाके अगर मैंने अमेजोन से कुछ शॉपिंग की है, क्या मुझे वो गुड्स आएंगे और पेमेंट देना पड़ेगा? अरे बोलो ना. द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज येस. ओके, इट रन्स इन इंडिया बट इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नॉट इन द फिजिकल फॉर्मेट. ओके, तो आप आपका बिजनेस चाहे फिजिकली रन कर रहे हो, वर्चुअली रन कर रहे हो, खुद रन कर रहे हो, अपने एजेंट के द्वारा रन करवा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप इनकॉर्पोरेट हुए आउटसाइड इंडिया एंड यू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, यू विल बी रिगार्डेड एज अ फॉरेन कंपनी. यू विल बी रिगार्डेड एज अ foreign company. तो देखो, any company which is incorporated outside India and having a place of business in India is known as a foreign company. Example लिख दो वहां पे. Apple Incorporation Limited. Apple के stores दिखते हैं या नहीं? सब अलग अलग field के लिख दो. एक Apple लिख दो, एक Amazon लिख दो, गाड़ी में एक ऑडी या बीएमडब्ल्यू जो लिखना है लिख दो, फूड चेन में आप मैकडोनल्ड्स लिख सकते हो. नाइका इज इंडियन कंपनी. ओके, इजी. अभी यहां पे आओ, मैं बताती हूँ. सेक्शन 8 मंडे को होने वाला, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट है. ये निधि कंपनी दिख रहा है आपको, पेज नंबर 27, निधि कंपनी. दिख रहा है क्या आपको? What do you mean by निधि companies? Any company which is incorporated for the purpose of inculcating the habit of saving among the members is known as a निधि company. ये companies by the member होती है और for the members होती है. जैसे कि किटी parties होती है, बीसी parties. Suppose 12 member है किटी party में, हम क्या करते हैं? सपोज चिट्ठी निकाले है, मेरा नाम आया, तो बाकी की 11 मेंबर जो है, सपोज 1000 की किटी पार्टी है, मेरे को 1000 रुपए देंगे. अरे बोलो ना, किटी पार्टी का कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको? कल जाके आपका नाम आया, बाकी के 11 लोग जो है, क्या वो आपको पैसा देंगे?
तो किटी पार्टीज आर लाइक बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स. और क्योंकि मेरी 1000 की किटी पार्टी है, उसके बहाने से मेरी सैलरी में से मैं 1000 रुपए संभाल के रखूंगी. समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? आई नो आई हैव अ बीसी ऑफ 1000 रुपीज. तो ऐसे केस में मैं, मेरी अगर सैलरी 10000 रुपए है, मैं 1000 साइड में रखूंगी और बाकी का अमाउंट मैं खर्चा करूंगी, क्योंकि मुझे पता है इतना 1000 रुपए मुझे इस बीसी पार्टी में देने का है. और फिर आज नहीं तो कल जब मेरा नंबर आएगा, मेरी बीसी लगेगी, तो मेरे को तो 12000 रुपए मिल जाएगा, मेरे खुद के 1000 रुपए और बाकी के मेंबर्स के 11000 रुपए. मतलब इसके वजह से क्या मेरी जिंदगी में एक हैबिट हो गई 1000 रुपए सेव करने की. तो ऐसी जब आप काम करते हो थ्रू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ओके, थ्रू अ कंपनी, सच कंपनीज आर नोन एज निधि कंपनीज. सच कंपनीज आर नोन एज निधि कंपनीज. सच कंपनीज आर नोन एज बेसिकली दे आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स. बाय द मेंबर्स एंड मदद करने वाले भी मेंबर है और मदद जिसको मिल रही है वो भी मेंबर्स है. मदद जो कर रहा है वो भी मेंबर ही है और मदद जिसको मिल रही है वो भी कौन है? या तो हम सेविंग की हैबिट इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो बंदे के जीवन में जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, कॉस्ट वो स्पेंड कर रहा है, उसको हम कट करने की कोशिश कर रहे हैं. मतलब इन शॉर्ट उससे इनडायरेक्टली सेविंग्स ही बढ़ रही है. कॉस्ट जब आप कम करते हो आपकी क्या सेविंग्स ही बढ़ती है? ऐसी इंटेंशन से जो बनाई गई कंपनीज होती है, ऐसी कंपनीज को कहते हैं एज निधि कंपनीज. ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं? निधि कंपनीज. आपने मां बहन के बारे में कभी सुना है? गाली नहीं दे रही हूं मैं. मां बहन निधि लिमिटेड. भाई याद, राधे राधे. अगला गाना जो बजाओगे वो भक्ति गीत बजाओगे. आपने नहीं सुना इसके बारे में? आपने सुना होगा, आपने, आपको पता नहीं होगा. आपने अक्षय कुमार की मन्नपुरम गोल्ड लोन फाइनेंस की एड देखी है? जब घर में पड़ा हो सोना तब का है कोरोना. नहीं सुना है? क्या यार, किधर से आए हो तुम लोग? ये बुद्धू राम की है कहानी. जब घर आई तंगी परेशानी, किसके आगे हाथ फैलाई, सोचत सोचत नींद लगाई, तम सपने में पप्पा एक कान खींच कर ये समझाए. सुनो बेटा बुद्धू राम, जब घर में पड़ा है सोना तब का है कोरोना. बोले ना पैसा रख के सोना, दो मिनट में काम है होना. मनापुरम गोल्ड लोन, अब लाइफ बनाए आसान. नहीं देखा ये एड कभी आपने टीवी पे, रेडियो पे? क्या देखते हो आप लोग फिर? सो दिस एम ए मा इज एक्चुअली मन्नपुरम. एम ए इज द अब्रीविएटेड शॉर्ट फॉर्म ऑफ मन्नपुरम और बी ई एन इज बेनिफिशियल. तो मा बेन. सीरियसली मेरे को खुद को अभी कितना भाईयार लग रहा है. मन्नपुरम बेनिफिशियल निधि लिमिटेड, ओके, इज अ कंपनी विच इज अ निधि कंपनी. दिस इज बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स. बहुत सारे काम ये कंपनी करती है, जिसमें से वन ऑफ द फैसिलिटीज दैट इट प्रोवाइड्स इज गोल्ड लोन. अच्छे से रीड करो, ये देखो ये क्या लिखा है, रीड करो तो. द फैसिलिटी इज फॉर आर, वापस से रीड करो. द फैसिलिटी इज फॉर आर बाय द मेंबर एंड. कल जाके अगर मेरे को एफडी बनानी है इस कंपनी के साथ, पहले मुझे मेंबर बनना पड़ेगा, फिर ही मैं एफडी बना पाऊंगी. मेरा पैसा कोई भी ऐरे गेरे व्यक्ति को नहीं बनेगा,
इसी कंपनी के कोई दूसरे मेंबर को मिलेगा। तो कल जाके अगर कोई दूसरा मेंबर गोल्ड लेके आता है और उसको लोन चाहिए, तो हो सकता है मेरे एफडी का पैसा उसको लोन देने के लिए काम में आ जाए। देखो ना, वन ऑफ द एक्टिविटीज दैट इट इज डूइंग इज गोल्ड लोन बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स। ऐसी कंपनीज को क्या कहते हैं? निधि कंपनीज। ठीक है, दे आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंग्स द मेंबर्स। एक काम करो, छोटी चिट्ठी लो, मैं डिक्टेट करती हूं। ये साइज की है? दो तो इतने। ये साइज की लो, ये साइज की, बाद में फिर रोते हो कि जगह नहीं। लिखो, निधि कंपनीज आर कंपनीज, निधि कंपनीज, लिखो ना, आर कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड, विच आर इनकॉर्पोरेटेड विद द पर्पस ऑफ विद द पर्पस ऑफ इनकलकेटिंग द हैबिट विद द पर्पस ऑफ इनकलकेटिंग इनकलकेटिंग मतलब बताओ, इनकलकेट करना मतलब क्या? अरे मैं आप लोगों से पूछ रही हूं, दीवारों से बातें नहीं कर रही। डालना किसी में, आदत डालना मतलब इनकलकेट करना। तो निधि कंपनीज आर कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड विद द पर्पस ऑफ इनकलकेटिंग, आई एन इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स, इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंगस्ट द मेंबर्स, अमंगस्ट द मेंबर्स, इनकलकेटिंग द हैबिट ऑफ सेविंग्स अमंगस्ट द मेंबर्स। सच कंपनीज आर, और एक सेंटेंस लिखो, सच कंपनीज आर फॉर्म्ड बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स। बाय द मेंबर्स एंड फॉर द मेंबर्स। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था बहुत भारी पढ़ाने वाली हूं मैं, लॉस सब प्रैक्टिकली आपको बताने वाली हूं। लिखो, माँ बहन निधि लिमिटेड। कुछ भी भूल जाइए, नहीं भूलेगा। फॉरेन कंपनी के भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिखे है ना, भले ही सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, अप्रोच अपना एकदम प्रैक्टिकल होने वाला है, एकदम भारी, नेक्स्ट लेवल। निधि कंपनी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिख दो। बार बार बोलना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, बराबर है। मेरी बिल्ली में कोई म्याऊ, याद रहने के लिए। आज के लिए क्लास डेफिनेशन पे आ जाओ, PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाम में लिखा है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तीन ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बस तीन, सुन रहे हो क्या आप? LIC, UTI एंड IDFC, दैट्स इट। तीन ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। एक है LIC, LIC के बारे में कोई कुछ बता सकता है? मरने के बाद भी, मरने के साथ भी।
जीवन साथी। सो तीन ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, एक है हमारा LIC, ओके, दूसरा है IDFC, नाम में लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। ये जो IDFC है ना वो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, बट फाइनेंस किस चीज के लिए प्रोवाइड करता है? टू डेवलप इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग ऑफ डैम, बिल्डिंग ऑफ मेट्रोज। तो क्या बहुत सारा पैसा लगता है ये काम करने के लिए? क्या बहुत सारा पैसा लगता है? तो अब देखो, गवर्नमेंट ये 100 सिटी का मेट्रोज नहीं बना रहा है। गवर्नमेंट क्या करता है, टेंडर निकालता है, फिर हम लोग टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, और अगर गवर्नमेंट को हमारा प्राइस बेस्ट लग रहा है, बेस्ट क्वालिटी पे सबसे कम दाम, तो गवर्नमेंट हमको टेंडर दे देता है। उसके बाद अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि यहां से यहां तक हम मेट्रो बनाए। सो बेसिकली वी आर अ प्राइवेट फर्म और अ प्राइवेट कंपनी, सुन रहे हो क्या आप? बट मेट्रो बनाने के लिए क्या मुझे लगेगा बहुत सारा पैसा? अरे बोलो ना, तो मैं क्या कर सकती हूं? ये पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकती हूं जो मेको फाइनेंस देगा, बिकॉज आई एम डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। IDFC, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ये लोग फाइनेंस देते हैं, क्यों देते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। वैसे ही बहुत सारी कंपनीज होती है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती है, जैसे पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, तो वो सिर्फ लोन देती है एक ही चीज के लिए, आपको घर बनाने के लिए। तो देखो, वैसे लोन बहुत सारे कारणों के लिए अप्लाई किया जा सकता है, बट अलग अलग सेक्टर्स होते हैं उसमें। तो ये जो IDFCs होते हैं ना, दे गिव फाइनेंस। व्हाई डू दे गिव फाइनेंस? ओनली फॉर वन थिंग, एंड दैट इज टू मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन इंडिया, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, बिल्डिंग ऑफ सबवेज, बिल्डिंग ऑफ स्काईवॉक। बॉम्बे में देखा है स्काईवॉक, जैसे ब्रिज होता है ना व्हीकल्स के लिए होता है, वैसे स्काईवॉक जो होता है अपने लिए होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे चल के जाने के लिए। स्काईवॉक बॉम्बे में आप लोगों ने देखा होगा अगर गए हो तो। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव बीन टू बॉम्बे? तो देखा है आप लोगों ने स्काईवॉक? तो जैसे मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है वॉकिंग, इफ आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, देयर इज पॉसिबिलिटी ना कि कोई टक्कर मार दे, एक्सीडेंट हो जाए। तो बॉम्बे बहुत ऐसे क्राउडेड है ना, तो उन्होंने स्काईवॉक्स बनाना चालू किया है। सो यू कैन गो वॉकिंग ऑन दैट स्काईवॉक, इट्स अ व्हीकल फ्री जोन, नो व्हीकल्स, जस्ट गो वॉकिंग। दो इंसान चल रहे तो टक्कर नहीं होने वाला है, मतलब मूवीज के अलावा, सिर्फ मूवीज में पॉसिबल हो, सीरियल में पॉसिबल होता है, बट अपने निजी जिंदगी में तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला है। तो वो स्काईवॉक्स बनाए जाते हैं क्योंकि यूजुअली पीपल इन मुंबई यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो एक स्टेशन से बस स्टॉप तक या बस स्टॉप से मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्काईवॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके लिए अगर आपको फाइनेंस चाहिए, आप किसके पास जाओगे? IDFC, इट्स अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एंड लास्ट इज UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। बताते हैं आपको UTI, ये देखो, तो UTI म्यूचुअल फंड है। तो UTI क्या करता है, लोगों से पैसे लेता है और उनके फंड्स मैनेज करता है। सो बेसिकली इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन फाइनेंस ओनली, पैसों से ही डील कर रहा है वो, लोगों के पैसे लेता है, सही जगह पे इन्वेस्ट करता है, उसके रिटर्न्स देता है। तो UTI इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन टू फाइनेंस, एंड दैट इज वाई इट इज अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो पूरे इंडिया में तीन ही पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, LIC, UTI
एंड आईडीएफसी, कौन से बोले तो एलआईसी, यूटीआई एंड आईडीएफसी, ओके। अगर गवर्नमेंट चाहे वो दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी पीएफआई में कवर कर सकता है, देखो इंस्टीट्यूशंस नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ भी नोटिफाई नहीं किया है, इसलिए करेंटली लेटेस्ट लॉ के हिसाब से, ओके आई ऑलरेडी टोल्ड यू जो भी मैं क्लास में पढ़ाने वाली हूँ एकदम लेटेस्ट है फॉर जून 23 अटेम्प्ट, आपको कोई भी अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, आज तक तो कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ है, तो इसलिए अगर हम लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से पढ़े तीन ही इंस्टीट्यूशंस को हमने नोटिफाई किया है एज पीएफआईज, एलआईसी, आईडीएफसी एंड यूटीआई, कौन से तीन बोले तो एलआईसी, आईडीएफसी एंड यूटीआई, ओके। चल आज के लिए बस इतना ही होगा।